हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं डीमन व्हेल किंग जो के तांगसेन के अटैक के बाद पानी में गिर रहा होता है। सबसे पहले होश में आते ही कहता है तांगसेन की पावर सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी है। हालांकि डीमन व्हेल किंग ने तांगसेन की ब्लू सिल्वर स्पिरिट पावर का मसा पहले ही ले लिया होता है और उसी के साथ ही साथ उसने सी गॉड के साथ भी फाइट की हुई है और शायद से बोसाक्षी के साथ भी डीमन व्हेल किंग का सामना कभी न कभी तो हुआ होगा। मगर आज के दिन जिस पावर को डीमन व्हेल किंग ने टेस्ट किया होता है वो हाउटियन हैमर की माइट होती है जिसका लेवल मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ ही डीमन व्हेल किंग दोबारा से कहता है सेंस से फाइट करते हुए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद से मैं सी गॉड के साथ ही फाइट कर रहा हूं, जिसका मतलब ये है कि डीमन व्हेल किंग ने भी तांगसेन को गॉड लेवल ओपोनेंट एक्नॉलेज कर लिया होता है। और उसी के साथ ही साथ जबकि तांगसेन ने अपनी 6 रिंग्स को एक साथ ही ब्लास्ट करवाया होता है तो डेफिनेटली उसकी वजह से तांगसेन की पावर काफी ज्यादा मिसिंग लेवल तक इंक्रीज हो चुकी होती है। मगर उसी के साथ ही डीमन व्हेल किंग अपने आप को दोबारा से रिलैक्स करते ही कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तांगसेन सिर्फ एक इंसान है, मैं तांगसेन से नहीं हार सकता, मुझे बीट करना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल सी बात है। और इसी के साथ ही डीमन व्हेल किंग शायद से अपनी कोर की पावर को जनरेट करना स्टार्ट करता है। मगर जैसे ही डीमन व्हेल किंग इस पावर को यूज कर रहा होता है तो उसी के साथ ही हमें उसकी बैक पर शेड में एक ड्रैगन नजर आ रहा होता है जो कि डीमन व्हेल किंग की अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोई टेक्निक भी हो सकती है। मगर जैसे ही डीमन व्हेल किंग इस पावर को यूज करना स्टार्ट करता है तो उसी के साथ ही डीमन व्हेल किंग की बॉडी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है और उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आर्मर भी मिलता है, जिसके साथ जैसे ही डीमन व्हेल किंग दोबारा से पानी से बाहर निकलता है तो डीमन व्हेल किंग के फेस पर स्माइल देखकर जहां तक मुझे लगता है शायद से काफी देर के बाद डीमन व्हेल किंग को कोई ऐसा ओपोनेंट मिला हुआ है जिसने कि डीमन व्हेल किंग को अपनी पावर को इस डिग्री तक लीश करने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से डीमन व्हेल किंग भी शायद से इस फाइट को एंजॉय कर रहा होता है। मगर जैसे ही डीमन व्हेल किंग इस ड्रैगन की पावर को लीश करता है और दोबारा से अपने वेपन्स को लेकर तांगसेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी को देखते ही तांगसेन कहता है डीप सी डीमन व्हेल किंग ने अपनी मिलियंस ऑफ ईयर्स की जितनी भी पावर को स्टोर किया हुआ था उसने अपनी उस सारी पावर को लीश कर दिया है और डीमन व्हेल किंग का ये अटैक उसके सारे पावरफुल अटैक्स में से टॉप अटैक है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डेंजरस ओरा मौजूद है। और इसी को देखते ही शाओ बाई कहती है इस टेक्निक में से काफी ज्यादा इंटेंस ओरा बाहर निकल रहा है, डीप सी डीमन व्हेल किंग की स्ट्रेंथ गॉड लेवल को अचीव कर चुकी है। जो सुनते ही दाई मुबाई कहता है शायद इसी की वजह से ही तांगसेन ने हमें इस बैटल में हिस्सा ना लेने के लिए ही कहा था क्योंकि अभी के लिए हम लोग इस तरह के ओपोनेंट का सामना नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही दाई मुबाई रोंग रोंग को तांगसेन को सपोर्ट करने का कहता है मगर उसी के साथ ही रोंग रोंग उससे कहती है मैं अभी के लिए तांगसेन को सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि तांगसेन की पावर भी ऑलरेडी गॉड लेवल को अचीव कर चुकी है और जबकि रोंग रोंग अभी भी लेवल 80 प्लस के दरमियान है और रोंग रोंग के पास अभी तक सिर्फ 8 सोल रिंग्स की मौजूद हैं, तो उसकी वजह से रोंग रोंग सिर्फ उन्हीं ह्यूमंस को सपोर्ट कर सकती है जिनकी पावर ह्यूमन लिमिटेशंस के अंदर आती हो। और जबकि तांगसेन की पावर ऑलरेडी किसी गॉड लेवल पावर को अचीव कर चुकी है तो फिर रोंग रोंग उसे सपोर्ट कर मजीद इनहेंस नहीं कर सकती, जिसके साथ ही रोंग रोंग कहती है मेरा झिबाओ पेगुडा टॉवर तांगसेन को इसके बाद सपोर्ट नहीं कर सकता। जो सुनते ही उसके सारे टीममेट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसके साथ ही शाओ बाई काफी ज्यादा शॉक होकर सबसे कहती है आखिरकार ये क्या है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं तांगसेन की बैक पर उसी व्यू को जिसे फ्रंट साइड से देखने के लिए काफी ज्यादा लोग क्रेजीली वेट कर रहे हैं, जो कि डोमिनेशन और किलिंग इंटेंट की पावर का प्रोवाइडर लॉ एनफोर्सर और गॉड किंग गॉड अशुरा का व्यू होता है। और यहाँ पर तांगसेन अनकॉन्शियसली अपनी डोमेन के अपग्रेडेड वर्जन को लीश कर देता है जो कि किलिंग गॉड डोमेन होती है और इसका प्रेशर काफी ज्यादा इंटेंस होता है। इवन के यहाँ पर हम लोग तांगसेन की बैक पर उसी मार्क को देखते हैं जिसे कि आज से पहले एक मरतबा हमने तांगसेन को यूज करते हुए देखा था, जिसके साथ जैसे ही तांगसेन अपनी इस डोमेन को एक्टिव कर लेता है तो ये डीमन व्हेल किंग के अटैक करने के लिए तो मुश्किल कर रही होती है। और वहीं पर इस डोमेन के एक्टिवेट होने के बाद तांगसेन की अपनी सारी एबिलिटीज भी बूस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से तांगसेन दोबारा से डीमन व्हेल किंग का बहुत ही आसानी से सामना कर पा रहा होता है। और इसी के साथ ही डीमन व्हेल किंग और तांगसेन के दरमियान दोबारा से क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिस सारी फाइट के दरमियान हो रहे एक्सप्लोयर्स यहाँ पर मौजूद तांगसेन के सारे टीममेट्स के लिए यहाँ पर रहना भी मुश्किल कर रहे होते हैं। इवन के इन ब्लोज से जनरेट हुई शॉक वेव्स की वजह से तांगसेन के टीममेट्स हवा में उड़ने लगते हैं और वो अपनी बॉडीज को भी स्टेबल नहीं कर पा रहे होते। मगर वहीं पर तांगसेन और डीमन व्हेल किंग क्रेजीली क्लोज कॉम्बैट फाइट कर
करते छा रहे होते हैं, जिसके साथ ही डेमन वेल किंग जैसे ही दोबारा से इरिटेट होना फील करता है तो उसी के साथ ही अपनी रियल स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज करते हुए दोबारा से तांगसेन पर अटैक करने लगता है, जिसको के तांगसेन अपने हाउटियन का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से डिफेंड कर लेता है। और उसी के साथ ही साथ जैसे जैसे ये बैटल आगे बढ़ती जा रही होती है तो तांगसेन भी अपनी क्रेसिली इंटेंस पावर को लीश करता जा रहा होता है, जो कि सारी पावर ही ऑलरेडी तांगसेन को हाउटियन हैमर से मिल रही थी। मगर किलिंग गॉड डोमेन के एक्टिवेट होने के बाद तांगसेन की पावर एक न्यू लेवल पर जा चुकी होती है, और अगर तो तांगसेन इसी डोमेन को क्यान एंगशुए के साथ फाइट करते हुए रिलीज करता तो शायद से हमें उस बैटल का भी कुछ और व्यू देखने को मिल सकता था। मगर जैसे ही तांगसेन डेमन वेल किंग पर एक लीथल अटैक करते हुए डेमन वेल किंग को इंश्योर कर देता है तो उसी के साथ ही तांगसेन ने अपनी 8 स्पाइडर लेग्स में जितनी भी पावर अब्सॉर्ब की होती है उस सारी स्टोर हुई पावर का यूज करते हुए तांगसेन डेमन वेल किंग पर फायर फोनिक्स की पावर का अटैक करता है। और जबकि फायर फोनिक्स की पावर में आल्सो पॉइजन भी मौजूद होता है, जिसे रेजिस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, तो उसकी वजह से इवन डेमन वेल किंग की आइस भी इंश्योर हो जाती है। और इसी के साथ जैसे ही तांगसेन को एक अच्छी ओपनिंग मिल जाती है तो उसी के साथ ही तांगसेन अपने तांग्स क्लैन के सीक्रेट वेपन बॉडी ब्लड का यूज करने लगता है। और इसी के साथ ही हमें दोबारा से तांग्स क्लैन की लास्ट लाइफ और तांग्स क्लैन का एक अमेजिंग सा सीक्रेट वेपन देखने को मिलता है, जिसका सारा एक्टिवेशन का सीक्वेंस ही काफी ज्यादा अमेजिंग था, जिसके साथ तांगसेन ब्लड ड्रॉप्स का यूज करते हुए डेमन वेल किंग पर दोबारा से अटैक कर देता है। मगर उसी अटैक को काउंटर करने के लिए डेमन वेल किंग भी तांगसेन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। बट जैसे ही डेमन वेल किंग बॉडी ब्लड के कॉन्टेक्ट में आता है तो बॉडी ब्लड डेमन वेल किंग की बॉडी में एंटर हो जाता है और उसकी बॉडी को इनसाइड एरिया से डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ ही कहता है, जिस टेक्निक का यूज अभी अभी मैंने किया है वो हमारी तांग्स क्लैन की सीक्रेट वेपन्स की हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स में से सेकंड रैंक पर आता है, जिसका ब्रेक थ्रू इसकी पावर और इसका डैमेज बुद्धा स्टेयर्स के बिल्कुल नीचे है। बुद्धी ब्लड इनर बॉडी के अंदर 9 एक्सप्लोजन्स को कॉज करता है, जिनके इफेक्ट्स का अंदाजा लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर इस बात को एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि तांगसेन ने जब के अपने बुद्धा स्टेयर्स का यूज करते हुए एक गॉड लेवल ओपोनेंट के हार्ट को ही क्रश कर दिया था तो डेफिनेटली बुद्धी ब्लड जो कि हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स में से सेकंड रैंक पर आता है उसकी पावर भी किसी से कम नहीं हो सकती, जिसके साथ ही डेमन वेल किंग नीचे पानी में जाकर गिर जाता है। और उसी के साथ ही डेमन वेल टेम्पल भी क्रश होना स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि डेमन वेल किंग अपने लास्ट मोमेंट्स पर आ चुका है। जिसके कुछ देर बाद तक तो डेमन वेल किंग पानी से बाहर आने की और इसे रेजिस्ट करने की कोशिश तो कर रहा होता है, मगर उसी के साथ ही उसकी बॉडी में मौजूद सारी गैदर हुई एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि यहाँ पर आल्सो एक स्टॉर्म को कॉज कर रही होती है। मगर इस फाइट के बाद दोबारा से तांगसेन इतना ज्यादा तो इंश्योर हो चुका हुआ था और अपनी इतनी ज्यादा पावर को यूज कर चुका हुआ था कि तांगसेन भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिसके साथ ही तांगसेन के सारे टीममेट्स उसके पास आ जाते हैं। और आते ही ऑस्कर सबसे पहले तांगसेन को एक रिकवरी सॉसेज क्रिएट कर देता है, जिसके साथ ही मा हुंग-चुन तांगसेन से कहता है, ब्रदर सेन तुमने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से फाइट की है, मगर अभी कुछ देर पहले हमने एक रेड लाइट को देखा था, आखिरकार वो रेड लाइट क्या थी और उस टेक्निक में कितनी पावर थी। जिसके साथ ही तांगसेन इन सब को बताता है, ये हमारे तांग्स क्लैन का सीक्रेट वेपन है जिसका नाम बॉडी ब्लड है, जो कि स्पिरिट की पावर को ब्लड में गैदर करता है और उसे अपने टारगेट को हिट करने के बाद एक स्पेशल वे में रिलीज करता है। और जैसे ही अपने एनिमी की बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसी के साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन्स को भी जनरेट करता है। मगर उसी के साथ ही शाओवू तांगसेन से कहती है, अभी अभी हमने कुछ देर पहले तुम्हारे पीछे एक रेड फिगर को देखा था, आखिरकार वो फिगर किसका था। जिसके साथ ही तांगसेन इस कंक्लूजन पर आता है, सिक्स स्पिरिट रिंग्स को एक साथ ब्लास्ट करवाने के बाद शायद से मेरी किलिंग गॉड डोमेन ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो गई थी, हालांकि मुझे भी इस बात के बारे में पता नहीं था। मगर अभी के लिए हम सबको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, मैं डेमन वेल किंग की रिलीज हो रही पावर को तुम्हारी बॉडी में एंटर करता हूँ और तुम लोग उसका यूज करते हुए कल्टीवेट कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी स्पिरिट पावर को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि जबकि डेमन वेल किंग की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो तुम सबको उसे अपनी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही अब्सॉर्ब करना होगा। अगर तो तुम लोग इस पावर को अपनी बॉडी की नीड से ज्यादा अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हो तो उसकी वजह से ये पावर बैकफायर भी कर सकती है, जिसकी वजह से तुम सबको वहीं पर रुक जाना होगा और सिर्फ उतनी पावर को ही अब्सॉर्ब करना होगा जहाँ तक तुम लोग इस पावर को अब्सॉर्ब करते हुए रिलैक्स फील कर रहे हो। जिसके साथ ही तांगसेन इन सब के लिए डेमन वेल किंग की पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देता है और ऐसा तांगसेन अपनी 8 स्पाइडर लेग्स और शायद से सी गॉड की लाइट पावर को यूज करते हुए कर रहा होता है और आल्सो अपने टीममेट्स के साथ ही यहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं डेमन वेल किंग की पावर अपनी साइड्स पर मौजूद सारे एरिया में ट्रेवल कर रही होती है
है और जहाँ जहाँ से ये लाइट गुजरती जा रही होती है वहाँ पर न्यू लाइफ जनरेट होती जा रही होती है, जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं तांगसेन और उसके सारे टीममेट्स को यहाँ पर कल्टीवेट करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, मगर वहीं पर इस पावर को ऑब्जॉर्व करते हुए शाओवु थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही होती है, जिसे देखते ही तांगसेन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर शाओवु उसे बताती है तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल गिनसेंग और ब्रोकन हार्ट प्लांट की पावर को ऑब्जॉर्व करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ और मेरा एंड्योरेंस दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हें जल्दी से जाकर स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन दोनों को ही अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए, जिसके साथ ही तांगसेन अपनी एट स्पाइडर लेग्स को भी रेस्ट्रेन करवा देता है और उसी के साथ ही कहता है मिलियन ईयर्स की स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला, जिसकी वजह से मुझे अपनी सारी प्रेपरेशन कम्प्लीट करना होगी, और इसी के साथ ही तांगसेन वहाँ से निकलने लगता है जिसको कि उसके सारे टीममेट्स शेयर कर रहे होते हैं, जिसके साथ जैसे ही तांगसेन सी में एंटर करने लगता है तो उसी के साथ ही कहता है मैं अभी के लिए स्पिरिट रिंग को ऑब्जॉर्व करने जा रहा हूँ, तुम सब लोग यहाँ से जितना हो सके उतना दूर चले जाओ ताकि तुम लोग स्पिरिट रिंग के ऑब्जॉर्व करने के प्रोसेस के किसी भी इफेक्ट में ना आ सको, जिसके साथ ही तांगसेन अपने हैमर को बाहर निकालते ही कहता है गॉड की पावर को अचीव करने के लिए और आने वाले टाइम में अपने पावरफुल एनिमीज का सामना करने के लिए और लाइफ में हमेशा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही मैंने ये फैसला किया था, जिसकी वजह से अभी के लिए मैं भी किसी बात से नहीं डरता, और इसी के साथ ही तांगसेन सी में एंटर करना स्टार्ट हो जाता है, मगर जैसे ही तांगसेन सी में एंटर करता है तो उसी के साथ ही थोड़ा सा पजल होने के बाद कहता है आखिरकार ये रेड लाइट क्या है जो कि मेरी बॉडी में एंटर हो चुकी है और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही तांगसेन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही डीमन व्हील किंग की स्पिरिचुअल बॉडी आल्सो तांगसेन पर अटैक कर देती है, जिसे के तांगसेन ना तो डिफेंड कर पाता है ना ही डॉच कर पाता है और ना ही काउंटर कर पाता है, और उसी के साथ ही स्पिरिचुअल बॉडी में गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।